27 मई को देश को दो सबसे तेज एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। खुद प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन चालू होने के बाद टोटल न्यूज इसका रियलिटी चेक करने पहुंचा। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। बड़े स्तर पर जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, उसकी खूबियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असली तस्वीर उसके जमीनी स्तर पर शुरू होने के बाद सामने आती है। ऐसा ही हाल ही में शुरुआत हुई दिल्ली मेरठ हाईवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की। कुंडली, गाजियाबाद और पलवल यानी कि केजीपी को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का हमने रियलिटी चेक किया। शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही आवाजाही देखी गई। प्रति मिनट के एवरेज से कई गाड़ियां, कई वाहन वहां से गुजरे। टोल अधिकारियों ने भी इस बात को माना कि आने वाले दिनों में वाहन यहां सरपट दौड़ेंगे, लेकिन अभी उतना इजाफा नहीं हुआ जितना औसतन माना जा रहा था। रविवार को प्रधानमंत्री ने कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे का उद्घाटन कर दिया है और उसके बाद अब हम पहुंचे हैं इस हाईवे का रियलिटी चेक करने के लिए कि कितना असर पड़ रहा है, कितनी गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। आपको बता दें कि ये कुंडली मानेसर पलवल का टोल प्लाजा है और इसी टोल प्लाजा के पार करने के बाद जो भी गाड़ी जाएगी वो केजीपी यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल से जाके जुड़ेगी और इसीलिए ये टोल आगे जाने के लिए अहम है। ये जो टोल है इसी टोल को पार करने के बाद गाड़ियां कुंडली गाजियाबाद पलवल पे मिलेगी। यहाँ पे जो स्टाफ है टोल का उनका कहना है कि जो केजीपी चालू हुआ है उसके बाद यहाँ पे गाड़ियों की जो संख्या है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी क्योंकि अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, ईश्वर पांडे जो कि टोल मैनेजर हैं हमारे साथ वो हैं। ईश्वर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो केजीपी का उद्घाटन कर दिया है और आप केएमपी का जो टोल है उसके मैनेजर हैं और इसी टोल के बाद गाड़ियां आगे केजीपी में मिलती है, तो क्या लगता है कुछ गाड़ियां की संख्या बढ़ी है क्या आज? अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट लग रहा है कि बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत हल्का, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। एक्चुअली में क्या है, जो नोएडा पे नो एंट्री लगती है, अगर दिल्ली में गाड़ियाँ एंट्री ना हों जो तो हो सकता है इधर अगर डाइवर्ट किया जाए ट्रैफिक तो इधर बढ़ेगा। अभी अंदर ही दिल्ली में ही ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है। सबसे ज्यादा खुश ट्रक और भारी वाहन चालक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस हाईवे से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा और जाहिर तौर पर ये सच भी है, क्योंकि पहले पलवल जाने के लिए इन भारी वाहनों को दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता था और फिर पीक आवर्स में इन ट्रकों पर नो एंट्री हो जाती थी, जिसके बाद इन्हें कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ये सीधा इसी हाईवे को पकड़ेंगे और अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। इससे पेट्रोल, डीजल और समय, हर चीज की बचत होगी। केजीपी एक्सप्रेस हाईवे चालू होने के बाद जो ट्रक हैं जो दिल्ली होकर जाते थे अब वो इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, उन ट्रकों को कितना फायदा हुआ है ये बताइए कि जो नया एक्सप्रेसवे चालू किया है प्रधानमंत्री ने रविवार को केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल, उससे आप होके आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना फायदा हुआ है? सर बहुत फायदा हुआ, करीबन हम दिल्ली होके जा रहे थे करीबन 2-3 घंटे लग जाते थे कम से कम, अब करीबन हमें 1.5-1 घंटे में नोएडा पहुँच जाते हैं और करीबन काफी फायदा हुआ, डीजल में भी फायदा हुआ। उधर के गाड़ी 5,000 रुपए का डीजल खाती थी, इधर के 4,500-4,000 रुपए का डीजल खा रही है गाड़ी। मतलब डीजल भी बच रहा है और समय बच रहा है। बिल्कुल, समय भी बच रहा है और रोड भी बढ़िया बनाया सरकार ने। इसके अलावा ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो अब आप लोग दिल्ली में जाते थे प्रदूषण होता था वो भी कम होगा आपके ट्रकों से? बिल्कुल कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, ना कोई ट्रैफिक है ना कोई है, बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ। और वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि कई मायनों में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे खास है। दरअसल एक तो ये देश का सबसे तेज एक्सप्रेसवे है, आप यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ा सकते हैं, वो भी लीगली यानी कानूनी रूप से। लेकिन साथ ही साथ एक खास बात यहाँ आकर्षित करती है, वो है यहाँ लगा साइन बोर्ड। दरअसल यहाँ लगा साइन बोर्ड आपको ये नहीं बता रहा कि आप कितनी स्पीड रखें, बल्कि बता रहा है कि आप दो गाड़ियों के बीच में कितना डिस्टेंस बनाकर रखें। अधिकतर आपको स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे गाड़ियों की गति सीमा के बोर्ड लगे मिल जाएंगे, लेकिन जब आप ईस्टर्न पेरिफेरल पे चढ़ेंगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा जो शायद ही आपने कभी किसी हाईवे पे देखा होगा। ये बोर्ड है कि बता रहा है कि आपको दो गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, यानी कि एक गाड़ी जो आपके पीछे जा रही है और अगर आप उस गाड़ी के ठीक पीछे चल रहे हैं
तो तकरीबन 70 मीटर यहाँ पे दर्शाया गया है कि 70 मीटर का जो डिस्टेंस है एक दो गाड़ियों के बीच में वो बनाए रखना है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब खास तौर पर काफ़ी कोहरा होता है या फिर जो सामने का जो दृश्य है वो ओझल होता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में गाड़ियों के टकराने की संभावनाएं बनी होती है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिलता है कि ताज एक्सप्रेसवे हाईवे पे खासकर कि गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, गति ज़्यादा गति होने के कारण गाड़ियों की, शायद इसी संभावनाओं से बचने के लिए, इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने का निर्देश दिया गया है। तो यानी जिन बातों को इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले हम सभी सुन रहे थे, जब उनका रियलिटी चेक हुआ तो वो सही साबित हुई। तो यानी अब कहा जा सकता है कि ये दोनों ही एक्सप्रेसवे अच्छे दिनों की ओर इशारा करते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण निजामुद्दीन से यूपी गेट तक का उद्घाटन किया। दावा किया गया कि ये एक्सप्रेसवे लोगों को जाम से निजात देने के साथ साथ समय भी बचाएगा। लिहाजा टोटल न्यूज ने इस दावे की पड़ताल के लिए निजामुद्दीन से यूपी गेट तक का सफर किया। निजामुद्दीन से यूपी गेट तक के 9 किलोमीटर के हाईवे का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के समय ये दावा किया गया था कि इस हाईवे से समय की बचत होगी, साथ ही ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगा। इसी दावे की जमीनी हकीकत जानने के लिए टोटल न्यूज के संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने निजामुद्दीन से यूपी गेट तक के 9 किलोमीटर का रियलिटी टेस्ट किया। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से लेकर यूपी गेट तक बनाए गए 9 किलोमीटर के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। अब आज हम इस पूरे एक्सप्रेसवे पर ये तलाशेंगे कि आखिर पहले यूपी गेट से लेकर निजामुद्दीन आने में जो तकरीबन 1.5 घंटे तक का समय लग जाता था, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो समय अब कितना कम हो गया है। अपने इस सफर के दौरान हमारे पास ये एक स्टॉप वॉच भी रहेगी जिसके जरिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नापने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं इस पूरे सफर पर और देखते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण में निजामुद्दीन से लेकर यूपी गेट तक का समय आखिर कितना बचने लगा है और पहले इस पर कितना समय लगा करता था। अपनी पड़ताल में टोटल न्यूज के संवाददाता ललित नारायण कांडपाल पहले पड़ाव में इंद्रप्रस्थ पार्क पहुंचे। निजामुद्दीन से इंद्रप्रस्थ पार्क पहुंचने में कुल 1 मिनट 13 सेकंड का समय लगा। सबसे बड़ी बात जो रियलिटी टेस्ट में सामने आई वो थी रेड लाइट से निजात। इंद्रप्रस्थ पार्क की रेड लाइट पर जहां पहले 30 से 40 मिनट लगते थे, वहीं अब बिना रुकावट के ट्रैफिक चलता हुआ नजर आया। निजामुद्दीन से यूपी गेट तक जाते हुए सबसे पहले जो सबसे बड़ी बत्ती पड़ा करती थी वो थी इंद्रप्रस्थ पार्क के पास की, और इंद्रप्रस्थ पार्क के पास की इस बत्ती पर स्टॉपेज टाइम जो था वो तकरीबन 30 मिनट भी कई बार हो जाया करता था और कई बार 40 मिनट तक पहुंच जाया करता था। अभी क्योंकि हम यहाँ पर रुक गए हैं तो ऐसे में हमने अपनी जो स्टॉप वॉच है उस स्टॉप वॉच को भी रोक दिया है ताकि हम आपको सही तरीके से सही चीज़ दिखा सकें। 1 मिनट 13 सेकंड लगे हैं हमको निजामुद्दीन से लेकर यहाँ इंद्रप्रस्थ पार्क तक पहुँचने में, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो ये नया कंस्ट्रक्शन किया गया है इस बत्ती को सिग्नल फ्री करने के लिए यहाँ पर एक पुल ऐसा बनाया गया है जो कि आपको इस बत्ती के पार उतारता है, जो कि सीधे ITO और ISBT की तरफ जा रहा है। और अगर आपको नोएडा और यूपी गेट की तरफ जाना है तो उसके लिए एक नया पुल बनाया गया है ताकि आपको उस बत्ती पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। रियलिटी टेस्ट के सफर में टोटल न्यूज के संवाददाता ललित नारायण कांडपाल अगले पड़ाव पर जा पहुंचे, उस जगह जहां मयूर विहार फेज 2 की रेड लाइट हुआ करती थी जिसके कारण लंबा जाम लग जाता था, लेकिन अब ये पूरी रोड रेड लाइट फ्री है। निजामुद्दीन से लेकर यूपी गेट तक आने में जो सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी मयूर विहार फेज 2 के पास बनी रेड लाइट, जो कि ये पूरी जो रेड लाइट थी यहाँ से आप मयूर विहार फेज 2 में भी जा सकते थे और इसके अलावा ये जो पटपड़गंज का इलाका है यहाँ पर भी आप जा सकते थे। तो इसके लिए जो पटपड़गंज से लोग आते थे वो NH24 पर कनेक्ट होने के लिए यहीं पर आते थे, लेकिन आज आप देखिए कि ये बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है कि इस पूरी बत्ती को खत्म करने के लिए तकरीबन 40 फीट से भी 50 फीट ऊंचे जो हैं वो पुल बना दिए गए हैं ताकि
ये पूरा जो रोड है ये सिग्नल फ्री कर दिया गया है और तकरीबन ये छः लेन से भी ज़्यादा यानी 8 लेन जो है पूरा ओवरब्रिज में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे कि ये बत्ती पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर तक कि जो डिस्टेंस हमें बता रहा है, पहले यहाँ पर तक आने में तकरीबन 1 घंटा लग जाया करता था, लेकिन अब यहाँ पर आने में सिर्फ 7 मिनट 50 सेकंड का समय हमारी घड़ी दिखा रही है कि 7 मिनट 50 सेकंड यहाँ पर आने में लगे हैं। रियलिटी टेस्ट के दौरान टोटल न्यूज के संवाददाता ललित नारायण कांडपाल इस सफर के अंतिम पड़ाव यूपी गेट जा पहुँचे। निजामुद्दीन से यूपी गेट तक के 9 किलोमीटर के रियलिटी टेस्ट के सफर में कुल 9 मिनट 43 सेकंड का समय लगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जो पहले चरण पूरा हुआ है उसकी रियलिटी चेक की पड़ताल करते हुए अब हम आ गए हैं यूपी गेट पर। यूपी गेट वो पॉइंट है जो कि निजामुद्दीन से लेकर यूपी गेट तक जो पूरा पहला चरण बनाया गया है, इसमें यूपी गेट आखिरी पॉइंट है। और अपनी स्टॉप वॉच में देखें कि आखिर हमको यहाँ आने में कितना समय लगा, तो हमारी जो स्टॉप वॉच है वो बता रही है कि 9 मिनट 43 सेकंड का समय लगा है, यानी कि जो 9 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है यहाँ पर पहुँचने में 9 मिनट 43 सेकंड का समय बनाया लगा है। तो जो ये पहला चरण बना है, इस पहले चरण की तस्वीर ने साफ कर दिया है कि राजधानी दिल्ली के लिए जो लोग यूपी की तरफ से आते थे उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। जो लोग बाहर से आते थे, राजधानी दिल्ली में एंट्री करते थे इस रूट के जरिए, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात है। सिर्फ ईंधन के मामले में नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के लिए जो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है उससे भी बहुत बड़ी राहत मिली है। जिस सफ़र को तय करने में पहले हमें 40 से 45 मिनट लग जाया करते थे, अब उसे तय करने में सिर्फ 9 मिनट 43 सेकंड का समय लग रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजधानी दिल्ली और NCR के लोगों के लिए। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। हाईटेक एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे उद्घाटन के बाद से यहां से वाहनों का निकलना भी शुरू हो गया है। साथ ही टोटल न्यूज भी निकल पड़ा पड़ताल की कि आखिर नए एक्सप्रेसवे पर टोल की स्थिति क्या है, क्या निकली पड़ताल में ये देखिए। टोल, जी हाँ, वो टैक्स जिसे सरकार हमें सड़क पर अपना वाहन चलाने के लिए लेती है। इसी टोल से सरकार द्वारा खर्च किए गए किसी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का पैसा वसूल किया जाता है। देश में इन दिनों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा है। चर्चा इसलिए नहीं है कि कोई पहली बार एक्सप्रेसवे देश में बना हो, चर्चा इसलिए है कि पहली बार इतना हाईटेक एक्सप्रेसवे देश में बना है। जब इतनी चर्चा थी तो टोटल न्यूज भी निकल पड़ा दावों की हकीकत जानने, और इस बार रियलिटी टेस्ट टोल प्लाजा को लेकर किया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बना तो दावा किया गया कि इससे दिल्ली का 41% ट्रैफिक कम होगा, लेकिन सवाल ये था कि यदि टोल ज्यादा होगा तो फिर कोई क्यों इस एक्सप्रेस वे से जाएगा। इसके लिए कहा यह गया कि जितना किलोमीटर चलेंगे उतना ही टोल देना होगा, और इसी का टेस्ट करने के लिए टोटल न्यूज संवाददाता विनय पहले दिल्ली छोर पर पहुंचे, मतलब दिल्ली के टोल नाके पर। कि ईस्टर्न पेरिफेरल पे जो टोल का जो सिस्टम है वो इस हिसाब से रखा गया है कि जितना किलोमीटर आप तय करेंगे उतना ही वहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। इसके लिए बकायदा ईस्टर्न पेरिफेरल पे कई जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके बाद पता चल जाएगा कि आप जब एग्जिट करेंगे तो कितनी दूरी से आपने एग्जिट करा है, और वहीं जब गाड़ियाँ यही गाड़ियाँ दिल्ली से होकर जाती हैं तो उनको MCD टोल के साथ साथ एक जो ग्रीन जो टैक्स है वो भी देना पड़ता है। आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कोई टाटा 407 जैसे लाइट ड्यूटी व्हीकल है उनको 100 रुपये का यहाँ पर विजिट देना ही पड़ता है, साथ साथ जो 700 रुपये एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्स के रूप में जब वो खाली गाड़ियाँ हैं, और अगर वो लोड होकर आई हैं तो उनको 1400 रुपये, यानी कि ये 700 + 100 = 800 और 1400 + 100 = 1500। इस हिसाब से अलग अलग रेट हैं। 6 पेरिफेरल पे 15 तारीख से टोल लगना शुरू होगा, लेकिन वहाँ पर जो टोल का सिस्टम है दूरी के हिसाब से है कि जितनी दूरी आपको तय करेंगे उतनी ही दूरी का आपको वहाँ पर टोल देना है, और जिस जो दिल्ली के टोल हैं उसके मुकाबले कहीं ना कहीं वो कम है, इसलिए ईस्टर्न पेरिफेरल पे गाड़ियों का लोड बढ़ना वाजिब है। तो दिल्ली में तो गाड़ियों की संख्या कम हुई है, और इसके पीछे वजह यही है कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाने में कम टोल देना होगा। बहरहाल टोटल न्यूज की टीम आगे बढ़ी और पहुंच गई KGP यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे।
ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जहां से बगैर दिल्ली में घुसे वाहन यूपी से हरियाणा और हरियाणा से यूपी में एंटर हो सकेंगे। फिलहाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू नहीं हुआ है। 15 जून से इस पर टोल लगने की शुरुआत होगी, लेकिन क्या वाकई किलोमीटर के हिसाब से टोल लगेगा, आप खुद ही सुनिए। ये पहला एक्सप्रेसवे है देश का, आप जितनी दूरी कवर करेंगे उतना ही आपको टोल देना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि वाहन चालकों को पता लगे। ऐसा जनरेट नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी खबर अभी नहीं आई है। और उसमें क्या है कि सर, जैसा कि अपना फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से जैसा हमारा रीडिंग आता है उसके अकॉर्डिंग इसमें बिल जनरेट होगा। तो ये अभी लिखित रूप से तो यहाँ पे टोल प्लाजा पे अभी नहीं दिया गया है, जैसे कि लिखित रूप से आएगा या मान लो सिस्टम में जनरेट होगा सैप में वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। 15 जून के बाद 15 जून से यहाँ पर टोल लगना शुरू होगा। अभी 15-20 दिन के लिए ये एक्सप्रेस वे पूरी तरह से शुल्क मुक्त है। तो फिलहाल तो इस दावे को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी 15 दिन बाद टोल लगना शुरू होगा इसलिए पूरी तरह से इसे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की टोल तकनीक भी हाईटेक ही होने वाली है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ देशवासियों को बड़ी सौगात दी है बल्कि एक बड़ी राहत दिल्लीवासियों के लिए भी है। राहत इसलिए क्योंकि दिल्ली से होकर गुजरने वाले वाहनों की संख्या में बड़ी कमी नजर आएगी और उम्मीद है कि इससे यहां के हवा में घुलने वाले जहर से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी रफ्तार से बात करते फर्राटा भरती गाड़ियां, लेकिन सिर्फ ये एकमात्र ऐसी खूबी नहीं है जो इस एक्सप्रेसवे को खास बनाती है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत दिल्ली की आबोहवा और राजधानी की सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों के बोझ से जुड़ी हुई है। कुंडली से पलवल तक इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। अब इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे NCR के शहर एक्सप्रेसवे के सहारे सीधे जोड़े जा चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इन शहरों में जाने के लिए अब दिल्ली नहीं आना होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ओर जाने वाले भारी वाहनों को दिल्ली नहीं आना होगा। एक्सप्रेसवे की DPR के समय ही अनुमान लगाया गया था कि इससे राजधानी में तकरीबन 40% भारी वाहन कम हो जाएंगे और यही वो बात है जो इस एक्सप्रेसवे को सबसे ज्यादा खास बनाती है। वहीं अगर रियलिटी की बात की जाए तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के शुरू होने का फायदा पहले दिन ही नजर आने लगा। एक्सप्रेसवे के सूत्रों के मुताबिक रविवार रात को दिल्ली में 50,000 के करीब कम भारी वाहनों की एंट्री हुई। आपको बता दें कि दिल्ली में सामान्य तौर पर रोजाना तकरीबन 1.5 लाख बड़े ट्रक आते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दिल्ली में घुसने वाले ट्रकों की संख्या कम होगी तो प्रदूषण का लेवल भी कुछ नीचे आएगा। 2016 में एक स्टडी से सामने आया था कि दिल्ली में होने वाले कुल वायु प्रदूषण में से 30% ट्रकों की संख्या से होता है। दिल्ली में ट्रैफिक जो जाम रहता था, प्रदूषण था, दिल्ली को कितनी राहत मिली है। कंपनी के एक अधिकारी हमारे साथ खड़े हैं, 24 घंटे हो चुके हैं इसको चालू हुए। कितनी गाड़ियां निकली होंगी अब तक? ये परमानेंट का लगभग 50 व्हीकल्स का इसका रेशियो आया है जो हम लोगों ने निकाला है, एक नियर अबाउट है अप्रॉक्सीमेट। और एक्चुअल के लिए तो यहाँ पे मॉनिटर लगाए जाएंगे जो स्कैन करेंगे कितना LHS साइड से जा रहा है, कितना RHS साइड से जा रहा है। ये जेन्युइन की जो काउंटिंग होगी वो उसे होगी। इस बीच शहर में आने वाले भारी वाहन दिल्ली के अंदर आसानी से दाखिल न हों इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्रेसवे और दिल्ली को जोड़ने वाले 8 बॉर्डर्स पर 50 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया था। उनका काम यूपी और हरियाणा की पुलिस के साथ तालमेल बनाकर ट्रक वालों को शहर में घुसने से रोकना था। पुलिस के मुताबिक सबसे बड़ी परेशानी ओवरलोडिंग की है। अधिकतर ट्रक वाले अपने ट्रकों में लिमिट से ज्यादा सामान लाद कर चलते हैं। ऐसे में वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को चुनने से बचेंगे क्योंकि यहाँ पर लगे सिस्टम से सही लोड का अंदाजा चल जाता है। ऐसे में वो लोड से बचने के लिए एक्सप्रेसवे से बच रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस एक्सप्रेसवे के असल मकसद को पूरी तरह से हासिल करने में थोड़ा वक्त अभी लग सकता है।
सरकार दावा करी एनएचआई के अधिकारी भी कह रहे हैं कि 52,000 गाड़ियां जो दिल्ली होके गुजर के आगे जाती थी उनको अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आप क्या मानते हैं 52,000 का ये आंकड़ा ही कब नजर आएगा कि 52,000 गाड़ियां दिल्ली नहीं जा रही? नियर अबाउट 30 से 40 डेज के बाद में नजर आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को जैसे भी जानकारी नहीं मिला, जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ती जाएगी तो लोग ना चाहते हुए भी इस एक्सप्रेस हाईवे का यूज करना पसंद करेंगे। एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद इसका असर धीरे धीरे ही सही पर दिखना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के लिए कितना बड़ा सौगात बनता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।